धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों ने देखा है यहाँ इंजीनियर संदीपन रॉय जी को मेरे साथ बहुत बार देखा है और उनके अपने बहुत सारे वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे। मैं आज एक ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ संदीपन रॉय जी की, जो कि आज धरती पर जो लोग विघटन फैला रहे हैं, जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता और जो हिंदी कहते हैं, साफ शब्दों में कहते हैं कि मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, और ऐसे लोग वेद पर उंगली कर रहे हैं, वेद पर उंगली उठा रहे हैं, और कुछ लोग सत्य के नाम से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और वेदों के अर्थ का अनर्थ करते हुए लोगों को गलत फहमी का शिकार बना रहे हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात करने का ही रास्ता इन्होंने निकाला है। ऐसे लोगों को आज संदीपन रॉय जी ने अपने वेद मंत्रों के द्वारा, कि वेद मंत्र का व्याख्या क्या है, वेद मंत्र में बताया क्या गया है, वेद में मंत्रों के अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसके शाब्दिक अर्थ क्या है, एक दो वेद नहीं अपितु वेद कई वेदों से बदल बदल करके, इस वेद में ये भाष लिखा, इस वेद में ये भाष लिखा, इस वेद में ये भाष लिखा, अंग्रेजी में क्या लिखा, इन सब को कंप्लीट इकट्ठा करते हुए आज उन लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि वेद में नास्तिकों को मारने की बात है, जबकि ऐसा कोई शब्द वेद में नहीं है, उन्हें इकट्ठा करके उन नास्तिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, जो वेद के खिलाफ अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, जो वेद का वार नहीं जानते हैं, जो हिंदी का हा नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों द्वारा आज ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है मानव समाज को। सुनिए संदीपन रॉय जी को, बड़े मार्मिक शब्दों में उन्होंने, ये मत समझना आप लोग कि वो केवल मैंने कुरान सिखाया उन्हें, ऐसी बात नहीं है, वो वेद का भी अध्ययन करते हैं, वेद का भी अध्ययन किया है और वेद को भी अपने जीवन में उतारा है, उसी वेद से ही हवाला इकट्ठा करके दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन धैर्यपूर्वक आप लोग सुनेंगे, एक एक मंत्र को उठा करके किस तरीके से व्याख्या किया है, क्या लिखा है उसमें, उसका तात्पर्य क्या है, उसे स्पष्टीकरण दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक और नए विषय को लेकर के, और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा विषय है, वो ये है कि किस प्रकार से सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए फेक रेफरेंसेस का इस्तेमाल कुछ तथाकथित फ्री थिंकर्स, जो अपने आप को साइंटिफिक टेम्परामेंट का दावेदार बताते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये आप देखिए। तो ये आपने देखा और आप लोगों में से कई लोग इस स्क्रीनशॉट को पहचानते भी होंगे, वेद के नाम पर किस प्रकार से अनर्गल प्रलाप इन तथाकथित साइंटिफिक टेम्परामेंट और जो अपने आप को फ्री थिंकर्स कहते हैं, उनके द्वारा ये दिखाया जा रहा है, दिखा करके लोगों के सामने वेद के प्रति एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वही लोग होते हैं जो हर वक्त ये कहते हैं, नहीं हम तो फैक्ट्स पर विश्वास करते हैं, हम जो है हम सच्चाई पर बात करते हैं, हमारे में कोई बायसनेस नहीं है, हम कोई कॉन्फर्मेशन बायस से हम ग्रसित नहीं है। लेकिन यही लोग हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और अपनी बात
को मनवाने के लिए ये अगर झूठे रेफरेंसेस भी इनको मिले तो वो ये उनको लोगों के सामने पेश करते हैं। और ये ऐसा ऐसे रेफरेंसेस अपने ही सोच वाले लोगों से ही लेते हैं, यानी जो काउंटर पक्ष है उनसे ये रेफरेंसेस नहीं लेते, अपने जैसे सोच वाले लोग जो आप इनके सोच के साथ जो ये सहमत है उन्हीं से ये रेफरेंसेस लेते हैं। अपने काउंटर पक्ष की बात कभी ये रखते ही नहीं है। तो ये भी इनकी एक जो है दोहरा चरित्र है। और दावा करते हैं कि हम निष्पक्ष है, निष्पक्षता का दावा करते हैं, क्योंकि इनके मन में एक चीज गड़ी हुई है कि हमें सामने वाले को गलत सिद्ध करना है, हमें उसकी बात सुनना ही नहीं है। इसलिए एक अरबी में भी कई बार पंडित जी भी कहते हैं और मैं भी आपको सुना देता हूं कि वजिद्दु कुल इम्रइन मा काना यजहलहु वल जाहिलून लिअहलि इल्म अज़ाब, कि जिद वही करते हैं जो लोग नावाकिफ होते हैं। इसलिए आलिम इंसान का दुश्मन होता है वो नावाकिफ व्यक्ति। हमारे शास्त्रों में भी आया है कि उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपये न संतये पयापानां भुजंगनां केवलं विश्वर्धनम्, कि मूर्खों को उपदेश देना ऐसा ही है जैसे सांप को दूध पिलाना, सांप को पेय पदार्थ पिलाना, सांप को खाना खिलाना, वैसे ही एक मूर्ख को उपदेश देना है। बोला क्यों? क्योंकि सांप को दूध पिलाने से सांप का जहर जैसे बढ़ता है, उसी प्रकार से एक मूर्ख को उपदेश देने से ही भी उसका गुस्सा ही उसी प्रकार से बढ़ता है। इसलिए मूर्ख को उपदेश देना हमें नहीं है, और मैं ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भ्रम वो फैला रहे हैं उसके भ्रम को मैं तथ्यों के आधार पर काटूंगा, क्योंकि इनके पास कोई रियल तथ्य तो होते नहीं है। 4, 5, 6, 7 दर्जनों वीडियो इन्होंने बना दिया इसी फेक रेफरेंसेस पर, और लोग समझने लगे वाह क्या क्या बोला है आपने। हालांकि झूठ का सहारा ज्यादा दिन नहीं चलता, झूठ बोल करके यानी बोंगिया मार करके, और दूसरों को यह कहते हैं कि आप बोंगिया मारते, खुद बोंगिया मारते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो सवाल उठाएगा वो तो वो भक्त है, वो उसके लिए तरह तरह के नाम वो इस्तेमाल करते हैं। खैर मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जानते हैं इनकी महत्वता मैं नहीं बढ़ाना चाहता इनका नाम लेकर। आइए हम इन तीन रेफरेंसेस का आपको सटीक अर्थ है, आइए हम इन रेफरेंसेस को दिखाते हैं। उसे दुष्ट पुरुषों का नाश करने के लिए कहा गया है। कोई कहेगा तो दुष्ट पुरुषों का नाश करने के लिए कहा गया है, ये तो देखो कुरान जैसा है भाई, कुरान में काफिरों का कत्ल करने के लिए कहा गया है, जो इस्लाम को ना माने उसको कत्ल करने के लिए कहा गया है। क्या दुष्ट, क्या आप जो वेद को नहीं मानता उसको दुष्ट कहा जाता है? दुष्ट किसको कहा जाता है? चोर, डाकू, लुटेरा, बदमाश, उसको दुष्ट कहा जाता है। यहां कहां कहा गया है कि मुसलमानों को मारो, जो बौद्धिस्टों को मारो, या जैनियों को मारो, या ईसाइयों को मारो, ये कहा है? दुष्ट पुरुष को मारना तो हर एक देश का संविधान कहता है। तो यहां आपको आपत्ति क्या है यह बताइए आप, दुष्ट पुरुषों को वहां पर शासक के। और यहां दुष्ट पुरुषों का नाश शत्रुहन यानी परमात्मा करते हैं। कैसे? ना कर्म फल स्वरूप, यानी कर्म के मुताबिक फल देकर। तो आपकी जो आप जो अर्थ वहां पे अपने हिसाब से जो इनफिडेल यानी काफिर शब्द लाया है, काफिर शब्द तो हमारे यहां है ही नहीं, तो आपने जो अपने हिसाब से वो इनफिडेल लाया है वो तो यहां नहीं है। यहां पे दुष्ट पुरुष को मारने के लिए कहा गया, दुष्ट पुरुष को मारना जिस किताब में ना लिखा हो
कि दुष्ट पुरुषों को मारो, वो किताब कैसे मार्गदर्शक होगी किसी भी समाज का? और दुष्ट पुरुषों का नाश किए बिना किसी समाज का उत्थान कैसे होगा? तो दुष्ट पुरुष को तो मारना, ये हरेक संविधान इसकी इजाजत देता है। हरेक मुल्क को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था यानी न्याय व्यवस्था को सशक्त करने के लिए, अराजक तत्वों को नष्ट करने के लिए, देश में अमन शांति को कायम रखने के लिए, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट से बचने के लिए ये किसी भी न्याय व्यवस्था में ये प्रावधान है। अब यहां आप देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, दस्युहा। दस्यु किसको कहा जाता है? दस्यु दुष्ट पुरुष को कहा जाता है। ये तो नॉर्मल हिंदी जो जानता है थोड़ा बहुत वो भी जानता है कि हम दस्यु किसको कहते हैं। तो इसमें आपत्तिजनक क्या है बताइए? एक मुसलमान भी देख करके बताए कि भाई इसमें आपत्ति आपको क्या है। अच्छा, तो ये है। अब इसी अर्थ को ही एक दूसरे भाष्यकार ने भी लिया है और वहां पे क्या उन्होंने व्याख्या दी है, आइए हम वहां भी देख लेते हैं ताकि कोई ये ना रहे, कोई भ्रम ना रहे। यहां इसका अर्थ है, हे परमेश्वर, जब जब तू इस संसार के चोर, डाकू, महामारी, प्लेग आदि निखिल विघ्नों का विनाश करता है, तब तू ये दोनों धूलोक और पृथ्वी लोक रक्षक की कीर्ति को क्रम पूर्वक गावे। यहां भी आपने देखा कि दस्युहा, अभावह, अभावह और दस्युहा दो शब्द है। इसमें भी चोर, डाकू और महामारी, प्लेग आदि निखिल विघ्नों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे ना मुसलमान के बारे में कहा गया या किसी काफिर शब्द का तो कोई दूर दूर तक कोई नामोनिशान है ही नहीं यहाँ पे। आगे देखते हैं इसका भावार्थ, जब जब मनुष्य के ऊपर आपत्तियां आकर डराए, तब तब उसको प्रत्येक नर नारी धन्यवाद दे, उसकी कीर्ति गावे और परस्पर सहाय कर ईश्वर को समर्पण करे। यहां भी इनका एजेंडा फुलफिल नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे शायद किसी और भाष्य में इनका एजेंडा फुलफिल हो जाए। ये है तीसरा भाष्य। यहां हम देखते हैं क्या लिखा है, मंत्र भी आप देख लीजिए, मिला लीजिए। हे जितेंद्रिय पुरुष, जब तू वासना रूप दास्य वृत्तियों को नष्ट करने वाला होता है, तो शत्रुओं को कुचलने वाले तेरे अनुसार दोनों धावा पृथ्वी, मस्तिष्क व शरीर सामर्थ्य संपन्न बनते हैं। यह इंद्र जितना जितना वासना का विनाश करता चलता है, शब्द पर ध्यान दीजिए, जितना जितना वासना का विनाश करता चलता है, उसी अनुपात में उसके मस्तिष्क व शरीर शक्ति संपन्न होते चलते हैं। यानी यहां कोई ये आपत्ति कर सकता है नहीं, यहां तो शत्रुओं को कुचलने के लिए कहा गया है, यानी जो वेद को नहीं मानता उनको शत्रु कहा गया ना। आप उसके नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, एक लाइन बाद में जाएंगे, देखिए शत्रु किन को कहा गया है उसका भी स्पष्टीकरण दिया गया है, जितना जितना वासना का विनाश करता है। यह इंद्र जितना जितना वासना का विनाश करता चलता है, यानी यह शत्रु मनुष्य नहीं है, यह शत्रु वासना के लिए कहा गया है। यानी कोई अगर यह अर्थ भी लेना चाहे कि शत्रु इंसान के लिए कहा गया है, जो मुसलमान के लिए कहा गया है, या जो वेद को नहीं मानता उसके लिए कहा गया है, उसके लिए भी नहीं कहा गया है, एक लाइन बाद में जाइए, आपको शत्रु, मनुष्य के शत्रु कौन है, वासना के लिए ये आया है, ना कि किसी इंसान के लिए। सिंपल है, कोई मैं तोड़ मरोड़ करके तो नहीं पेश कर रहा हूं, जो नहीं है वो तो नहीं कह रहा हूं, जो है वही बोल रहा हूं। चलिए भावार्थ में शायद कुछ मिल जाए। हम जितेंद्रिय बनकर वासना का विनाश करें, जो मैंने कहा वही लिखा है। वासना मतलब क्या होता है? वासना मतलब पैशन, डिजायर। वासना मतलब ये नहीं होता है कि मुसलमान या जो वेद को नहीं मानता, ठीक है ना। तभी हमारे शरीर दृढ़ व मस्तिष्क
दीप्त बनेंगे। ठीक है भाई, कोई लाग लपेट नहीं, जैसा है वैसा ही पढ़ दिया मैं। चौथा हम भाष्य ले लेते हैं कि हे जगत स्वामीन, हे महेंद्र, प्राणों के सखा, तूने ही ये समस्त पदार्थ या लोक बनाए हैं। इस हेतु विद्वगण हृदय से इनको आदर करते हैं। जो पदार्थ स्तुतिवत या वेदवत पवित्र है, इसका भावार्थ देख लेते हैं। ईश्वर ने इन पदार्थों को बनाया है, अतः ये भी प्रशंसनीय है। इनके आदर से उसका आदर होता है, यानी ईश्वर ने जो पदार्थ बनाए हैं, अगर हम उनका आदर करें तो इससे ईश्वर का आदर होता है, ये इसका अर्थ है। तो ये हो गया चौथा अर्थ। अच्छा, मैं अगर चाहता तो यही अर्थ दिखा करके मैं कह सकता था, देखो है ही नहीं ऐसा कुछ, लेकिन मैंने बाकी भाष्य को भी रखा है बिना किसी पक्ष को लिए। बाकी भाष्य को भी मैंने दिखाया है ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम कोई फैला ही ना पाए। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी वाला मैं आपको दिखाता हूं। अंग्रेजी वाला जो भाष्य उपलब्ध है उसे मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। मंत्र संख्या और अल्फाज मिला लीजिए। यहां बोला गया है, इंद्र, व्हेन यू स्टिमुलेट एंड एनर्जाइज द सोमा वाइटलिटी ऑफ लाइफ क्रिएटेड बाय नेचर एंड ह्यूमैनिटी एंड व्हेन यू राइज एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द नेगेटिविटीज ऑफ द काउंटर फोर्स, देन बोथ हेवन एंड अर्थ वाइब्रेट एंड सेलिब्रेट योर मैजेस्टी इन अवे विद एडमायरेशन। यहां भी आपने देखा, एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द नेगेटिविटीज ऑफ द काउंटर फोर्स, यानी जो दूसरा भाष्य है उसी का ये अंग्रेजी रूपांतरण है। अंग्रेजी में लिखा गया है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द नेगेटिविटीज ऑफ द काउंटर फोर्स, यानी दुष्टों के अराजकता को नष्ट करने की यहां बात की गई है। ये आप सिंपल अंग्रेजी जो जानते हैं वो समझ लेंगे कि यहां क्या लिखा है। अच्छा, कुछ लोग इसको अनसाइंटिफिक करार देने की कोशिश करेंगे, तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूं कि बोथ हेवन एंड अर्थ वाइब्रेट एंड सेलिब्रेट योर मेजेस्टी। वाइब्रेट का यहां अर्थ है कि परमात्मा की कीर्ति गाते हैं। यहां वाइब्रेट से कोई ये अर्थ ना ले ले कि पृथ्वी कंपन कर रही है या अर्थक्वेक हो रहा है या जलजला हो रहा है, और हेवन यानी जो आकाश है वो भी कंपन कर रही है, कोई ये मूर्खता ना करे। यहां पे वाइब्रेट शब्द किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है ये मैं आपको बता देता हूं। वाइब्रेट यहां पे ध्वनि के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि वाइब्रेशन के बिना ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। तो यहां वाइब्रेट से मुराद ध्वनि, ध्वनि कैसा ना, परमात्मा की स्तुति गान की ध्वनि, यानी इस लोक यानी पृथ्वी लोक हो या अन्य लोक हो, यानी जहां पे प्राण है, इस लोक में जिस प्रकार से मनुष्य परमात्मा की कीर्ति गान करते हैं और अन्य लोकों में भी परमात्मा की कीर्ति गान की जाती है, तो यहां पे वही कहा गया है। संदर्भ देखिए, बोथ हेवन एंड अर्थ वाइब्रेट एंड सेलिब्रेट योर मैजेस्टी। सेलिब्रेट योर मैजेस्टी का क्या अर्थ होगा आप जानते ही हैं, यानी परमात्मा की कीर्ति गान, परमात्मा के हमदो सना को बयान करना। ये इस लोक में और अन्य लोकों में होता है, इस लोक यानी पृथ्वी में क्योंकि यहां मनुष्य है, और अन्य लोकों में जहां प्राण संभव है, जहां जीवन संभव है। तो इसको कोई ये ना ले कि पृथ्वी कंपन कर रही है या आकाश कंपन कर रही है, ये अर्थ ना ले। स्तुति गान का अर्थ है, आप इसको दूसरे वाले भाष्य में भी जो हिंदी में है वो आप देख सकते हैं, और आपको वहां भी यही संदर्भ मिलेगा। तो इसको कुछ लोग अनसाइंटिफिक भी प्रमाण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि इनका अटकल तो कुरान पर नहीं चलता, इनका अटकल वेद पर चलता है, तो यहां पे कोई अनसाइंटिफिक वाली बात नहीं है। एक छोटा से छोटा 12 का बच्चा भी जानता है कि वाइब्रेशन से ही साउंड क्रिएट होता है। तो यहां परमात्मा की कीर्ति गान के संदर्भ में ये कहा गया है, तो इसका भी स्पष्टीकरण मैं दे देता हूं।
क्योंकि कुछ मूर्ख इस पर भी सवाल उठाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे, और ये कहते रहते हैं और मैं सुनता भी रहता हूं, इसलिए मुझे पता है कि ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं एक ही मंत्र के आपने इतने सारे अर्थ बता दिए। तो इन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि वेद के तीन प्रकार के अर्थ किए जा सकते हैं, इसीलिए तो इसको ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है, इसीलिए तो इसको ईश्वर के द्वारा ईश्वर प्रदत्त ज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक मंत्र से आपको तीन प्रकार के अर्थ मिलेंगे, तीन प्रकार के आपको सीख मिलेंगे। एक है नंबर वन आदि भौतिक, नंबर टू इज आदि दैविक, और नंबर थ्री इज आध्यात्मिक। आपको ये तीनों अर्थ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तीन ही है लेकिन मैंने पांच भाष्य दिखाया। आप देखिए यहाँ पे आपको एक जगह दुष्टों को खत्म करने की बात की गई है, एक जगह अपने मन के वासना को खत्म करने की बात की गई है, एक जगह पदार्थ पर बात की गई है, यानी तीन हो गए ना। यही तीन अर्थ आपको मिले, तो वेद के तीन प्रकार के, एक मंत्र के तीन प्रकार के अर्थ किए जा सकते। बहुत सिंपल चीज है, आपने देखा इन पांच भाष्यों में आपको लगभग लगभग तीन प्रकार के ही अर्थ मिलेंगे। एक एक दो वर्ड 19-20 हो सकते हैं, लेकिन आपने यहां देखा कि तीन प्रकार के अर्थ यहां पे किए गए हैं। अब हम आते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट की तरफ। यहां जो दूसरा झूठा रेफरेंस उन्होंने दिया है उसको हम ले लेते हैं, फिर मैं तीसरे की ओर आऊंगा। यहां दूसरा रेफरेंस है कि ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त नंबर 70 और मंत्र नंबर 11। बकौल उनके यहां लिखा है कि मे योर फ्रेंड द क्लाउड हर्ल दैट इनफिडेल डाउन फ्रॉम हेवन हु डिफर्स फ्रॉम अस इन राइट्स एंड रिचुअल्स इज इनह्यूमन हु डज नॉट ऑब्जर्व फायर सेक्रीफिशियल्स एंड हु डज नॉट शो रेवरेंस टू नेचर बाउंटीज। यानी बकौल उनके यहाँ इस मंत्र में ये लिखा है कि जो वेद को नहीं मानता है, जो हमारे रीति रिवाजों से मतभेद रखता है, उसको स्वर्ग से ढकेल करके नीचे फेंक देना चाहिए। और मार्केट में यही चल रहा है, अभी यही दो तीन स्क्रीनशॉट चल रहे हैं। तो ये अपने नरेटिव को किस प्रकार से फैक्ट्स बना करके पेश करने की नाकाम कोशिश करते हैं। आइए मैं इनके इस झूठ का भी मैं पर्दाफाश करता हूं। तो यहाँ शब्द आया है अन्य व्रतम अमानुषम यजवानम देवयुम अवस्वह सखा दुधुवीत पर्वत सुगनाय दस्युं पर्वत। तो इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। यह भावार्थ है कि प्रजा का मित्र पालन कारक साधनों से संपन्न होकर मेघवत शास्त्रवर्षी और पर्वत के समान अचल होकर अच्छी प्रकार दंड देने के लिए दुष्ट पुरुष को सुख से कंपा कर गिरा दे। इस प्रकार वह शत्रु के समान कर्म करने वाला मनुष्य से भिन्न उनके शत्रु पशुवत दुराचारी और निर्दय अदानशील दाता विद्वानों व उत्तम गुणों को न चाहने वाले को भी कंपा कर नीचे गिरा दे, उसे दंडित करे। तो ये भी न्याय व्यवस्था के संबंध में आया है। यहां आपने देखा कि पालन कारक यानी ये राजा के लिए कहा गया है, ना कि हर एक आओ और हर कोई आकर के IAS जैसा संगठन बनाओ, यह नहीं कहा गया है यहाँ पे। यहाँ और वैसे भी यहाँ पे गैर गैर हिंदुओं के लिए भी नहीं कहा गया, यहाँ पे दुष्ट पुरुष आपने देखा ही है, मैंने पढ़ा और वहां पे जोर से मैंने स्ट्रेस भी दिया, और दुराचारी और निर्दयी के लिए कहा गया है। और यहाँ दंड देने का हकदार केवल और केवल शासक को है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट भाष्य की ओर लेकर जाता हूं। तो ये रहा हमारा दूसरा भाष्य। यहां आप देख सकते हैं कि लिखा है कि इंद्र जो जगत का हितेच्छु दंडधारी न्यायी राजा है, वह उस पुरुष को समस्त सुखों से
दूर फेंक दे, केवल उसको दूर ही नहीं करे किंतु उस दुष्ट मनुष्य विनाशक को, शब्द पर ध्यान दीजिए, उस दुष्ट मनुष्य विनाशक को मृत्यु के मुख में न्यायी राजा फेंक दे, जो जगत के उपद्रवकारी चोर आदि प्रकार के मनुष्य, जो जगत के शत्रु हो, मनुष्य से भिन्न राक्षस दिवत जिसकी चेष्टा हो, जो शुभ कर्म यज्ञादिको से भागता हो, जिसका स्वभाव महादुष्ट और ध्वनि कारक हो, ऐसे समाज हानिकारी दुष्टों को राजा सदा दंड दिया करे। तो यहां भी आपने देखा, दंड किसको दिया जाना चाहिए? जो दुष्ट है, दुराचारी है, चोर आदि, लुटेरे आदि, यानी जो राक्षस प्रवृत्ति का है, उसको दंड देने की बात की गई है। ना कि कुरान की तरह कि हर एक मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो काफिरों का कत्ल करे, ये नहीं है। यहां पे जगत ध्वनिकारक यानी जो जगत के लिए हानिकारक है उसके लिए कहा गया है। अच्छा, कुछ लोगों को ये ऐतराज होगा कि यहां लिखा है, देखो यहां पे लिखा है कि जो शुभ कर्म या जादी से भागता है उनको दंड देने की बात की गई है, उनको मृत्यु देने की बात की गई है। तो ऐसे ऐसे भानुमति के कुंबे जोड़ने वालों को मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां जो यजादी से भागता हो उनके लिए नहीं कहा गया, यहां जिसका स्वभाव महादुष्ट और जगत हानिकारक हो, जो जगत के उपद्रवकारी हो, उनके लिए कहा गया है। और उनकी एक विशेषता यह है कि वो शुभ कर्म नहीं करते और यज्ञ आदि नहीं करते, यानी जो बुरे दुष्ट लोग हैं उनकी विशेषण के रूप में यह कहा गया है कि ये वो व्यक्ति है जो कभी शुभ कर्म यज्ञ आदि नहीं करते। आप यहीं से देख सकते हैं कि यहां पे लिखा गया है कि जगत के उपद्रवकारी चोर आदि प्रकार के मनुष्य, जो जगत के शत्रु हो, मनुष्य से भिन्न राक्षस दिवत जिसकी चेष्टा हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो जगत का शत्रु है, जो राक्षस दिवत जिसकी चेष्टा है, उसकी विशेषता के लिए ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति शुभ कर्म और यज्ञ आदि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो इसका भी कारण आपको, समाधान आपको ऋषि के घर से ही मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो अब हम अंग स्पर्श करते हैं, तो अंग स्पर्श में हम क्या कहते हैं? ना अंग स्पर्श में हम कहते हैं कि ऐ परमात्मा, हम अपने इन अंगों को दोष रहित बनाए, दोष मुक्त बनाए, कोई दोष ना करे, इससे कोई गलत काम ना करे, हम अपने इंद्रियों का दुर्व्यवहार ना करे। तो हम ये संकल्प करते हैं जब हम अंग स्पर्श करते हैं यज्ञ में। अंग स्पर्श के बिना यज्ञ होता ही नहीं है हमारे यहां। और दुष्ट व्यक्ति की यह विशेषता है कि वो अपने इंद्रियों का गलत इस्तेमाल करता है, अपने अंग प्रत्यंगों से गलत कार्य करता है। यही कारण है कि यह कहा गया है कि वो यज्ञ आदि नहीं करते, यज्ञ आदि से भागते हैं। यानी इससे हमें ये पता चला कि दुराचारी पुरुष की विशेषता के रूप में ये कहा गया है। तो यहां से हमें ये पता चला कि ये मंत्र दुष्टों के विनाश के लिए कहा गया है, और वो भी राजा के द्वारा, राजा न्याय प्रक्रिया के अनुकूल उसको दंड देगा। भावार्थ की तरफ देखते हैं तो और स्पष्ट होगा। लोगों को उचित है कि वे केवल ईश्वर की उपासना करें। देखिए, जो लोग हम पर ये लांछन लगाते थे कि एक ईश्वरवाद नहीं है, इस लाइन से ये बात भी क्लियर हो गई कि केवल ईश्वर की उपासना, यानी एक ईश्वरवाद वेद में ही है। आगे देखते हैं। समाजों में, देशों में या ग्रामों में राक्षसी काम ना करे, स्त्री लंपटता, बाल हत्या आदि पातक में प्रवृत्त ना हो, राजा अपने प्रबंध से समाज को सुधारा करे। इससे पूरा ये शंका पानी के तरह क्लियर हो जाता है, ये किन के लिए कहा गया है? जो
राक्षस प्रवृत्ति का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ मिल जाए। ये है तीसरा भाष्य, यहां देखते हैं। यहां लिखा है वह यज्ञशील पुरुषों का मित्र, हमारा पूर्ण करने वाला प्रभु, वेदों पदिष्ट कर्मों से भिन्न कर्मों को करने वाले को, निर्दयी को, अयज्ञशील को, दिव्य गुणों को प्राप्त करने की कामना न करने वाले को स्वर्ग से कंपित कर दूर कर देता है। अन्यव्रत अमानुष अयज्वा अदेवयु को सुख प्राप्त नहीं होता। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहां स्वर्ग का अर्थ सुख विशेष के लिए कहा जाता है। आप वहां भी देख सकते हैं, स्वर्ग के जस्ट नीचे आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि स्वर्ग का अर्थ हमारे यहां सुख विशेष के लिए कहा जाता है और नर्क का अर्थ हमारे यहां वैदिक वांग्मय में दुख के लिए कहा जाता है। हमारे यहां जन्नत में 72 हूर और दोजक में काफिरों को हमेशा हमेशा के लिए जलाया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हमारे वैदिक वांग्मय में है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के कहने का ये तात्पर्य है कि जो वेद विरुद्ध दूसरों पर निर्दयता का आचरण करे या क्रूरता दिखाए, तो ऐसे लोगों पर परमात्मा उन्हें उन्हीं के कर्म फल स्वरूप सर्वत्र सुख से वंचित रखते हैं, सदा उन्हें सुख से वंचित रखते हैं। तो भाई, निर्दयी व्यक्ति के लिए सुख कौन चाहेगा? कौन सा नास्तिक है जो निर्दयी व्यक्ति के लिए सुख की कामना करेगा? फिर क्या लिखा है? वह पूर्ण करने वाला प्रभु, दस्यु उपक्षय करने वाले को सम्यक हनन के लिए प्रेरित कर इस दस्यु का आप विनाश करिए। यानी यहाँ पे दस्यु यानी दुष्ट पुरुष को नाश करने के लिए कहा गया है परमात्मा के कर्म फल विधान के द्वारा। तो अब भावार्थ की तरफ देखते हैं। प्रभु अन्य व्रत अमानुष अयजवा अदेवयु पुरुष को सुखों से पृथक करते हैं, दस्यु का प्रभु विनाश करते हैं। यानी जो बुरा कर्म करने वाला है उनको परमात्मा विनाश करते हैं। कैसे? ना कर्म फल विधान के द्वारा। यहां पे भी कुछ आपत्तिजनक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये है चौथा भाष्य। यहां लिखा है, हे मनुष्य, आप सब मिलकर तेज स्वरूप परम पूज्य और जीवों को कर्म अनुसार फल देने के लिए सर्वत्र विद्यमान उस परमात्मा को गाओ और पूजो। गाध और अगाध जल में और जो स्थलों में स्तवनीय और प्रार्थनीय होता है और जो वीरों के वीर कर्मों में प्रार्थनीय होता है, जिसको लोग सर्वत्र बुलाते हैं, वह परम पूज्य है। भावार्थ, हे मनुष्यों, वह ईश्वर जीवों को प्रतिक्षण दान दे रहा है। सुख दुख संपत्ति विपत्ति नदी समुद्र अरण्य जल और स्थल सर्वत्र और सब काल में उसकी उपासना करो। तो ये आपने सुना और आप समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट अंग्रेजी वाले की तरफ आता हूं। यहां लिखा है, फ्रेंडली जेनरस बट एडमिन टायर रूलर पनिश द पर्सन कमिटेड टू डिस्ट्रक्टिव वैल्यूज एंटी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंटी क्रिएटिव एंड एंटी सोशल एक्शंस एंड एंटी नेचर एंड इम्पायस प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। पनिश हिम विद डिप्राइवेशन ऑफ कंफर्ट सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सोशल प्रिविलेजेस एंड असाइन हिम टू श्योर एलिमिनेशन और टोटल चेंज। द स्ट्रॉन्ग अनकॉम्प्रोमाइजिंग रूलर शुड पनिश द वायोलेंट द टेररिस्ट एंड द किलर टू एन इक्वल एंड ऑपोजिट फेट। यहां भी ये कहा गया है कि इस एक आदर्श राजा को क्या करना चाहिए। एक आदर्श राजा को यानी असामाजिक तत्व यानी एंटी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन असामाजिक संगठनों को एंटी क्रिएटिव एंड एंटी सोशल एक्शंस यानी जो समाज विरुद्ध कार्य करता हो और जो वायलेंट हो जो हिंसक हो और जो आतंकवादी हो उनको दंड देने के लिए यहां पे कहा गया है।
तो आज के हिसाब से ये कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है, और सरकार को भी इस पर चिंतन करना चाहिए कि जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, देश में अराजकता फैला रहे हैं, विभिन्न प्रकार के क्राइम्स कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वो जुर्म कर रहे हैं, घिनौने कार्य कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि वे न्याय प्रशासन को इसी प्रकार लागू करें ताकि देश में वैमनस्ता ना फैले, देश में शांति कायम रहे। अब आते हैं हम तीसरे रेफरेंस की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं ऋग्वेदा मंडल 7 सूक्त नंबर 97 मंत्र नंबर 9। यहाँ पे लिखा है कि ओ लॉर्ड ऑफ नॉलेज, दिस लॉरेशन इज फॉर यू, डिस्ट्रॉय द गॉडलेस एंड द मैलाइस ऑफ आवर एनिमी। यानी यहाँ पे नास्तिकों को, यानी गॉडलेस यानी जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिकों को कत्ल करने की बात की गई है बकौल उनके। आइए हम इसे भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे नास्तिकों को मारने के लिए कहा गया है कि नहीं। तो पहले मैं मंत्रोच्चारण कर लेता हूँ। ये है ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 97 और मंत्र नंबर 9। इयं वां ब्रह्मणस्पते सुवृत्तिर्ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे अकारी अवेष्टं धियो जिघृतं पुरंधीर्जजस्तमार्यो वनुषा मराति ही। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले हम अर्थ को लेते हैं। तो यहाँ अर्थ है कि हे वेद और राष्ट्र के पालक, यानी यहाँ भी राजा के विषय में कहा गया, राष्ट्र के पालक यानी राजा। हे ऐश्वर्यवन जीव, आप दोनों की शक्तिशाली आत्मा की यह उत्तम स्तुति की है। आप दोनों उत्तम बुद्धियों कर्मों की रक्षा करो और देह के पूर्वत धारक जीवों को उपदेश करो। कर्म फल सेवन करने वाले जीवों के सुख आदि ना देने वाले बाधक शत्रुओं को नष्ट करो। यानी यहां पे भी वही है कि जो बाधा उत्पन्न करे, जो दुख दे, सुख आदि ना देने वाला कौन है, जो दुख देता है, जो बाधा उत्पन्न करता है, समाज में, मुआशरे में, देश में, ऐसे दुराचारी व्यक्ति को, ऐसे दुराचारी व्यक्ति को नाश करने के लिए कहा गया है। किनके द्वारा? राष्ट्र के पालक के द्वारा। यानी यहां भी न्याय व्यवस्था के संदर्भ में कहा गया है, ना कि ये कि नास्तिकों को कत्ल करो या जो वेद को ना मानता है उसको कत्ल करो। यहां भी स्पष्ट कहा गया है कि सुख आदि ना देने वाला, यानी दुख देने वाला बाधक शत्रुओं को, यानी जो बाधा उत्पन्न करे समाज में, जो समाज में दुख पहुंचाए अपने दुराचार से, अपने दुराग्रह से, अपने गलत व्यवहार से, अपने क्राइम से, ऐसे लोगों को नाश करने के लिए कहा गया है। वो भी किन को? आपने पहले ही देखा, राष्ट्र के पालक यानी राजा को कहा गया है, ना कि कोई भी उठ करके आकर के, जैसे इस्लाम में है कि ISIS जैसा संगठन बना करके कत्ल कर दो, ये नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं भावार्थ की ओर। भावार्थ में लिखा है, वेदवाणी के पालक विद्वान ईश्वर की स्तुति करते हुए उत्तम बुद्धि एवं श्रेष्ठ कर्मों की रक्षा करते हैं, अन्यों को भी उपदेश करके उनको सुखी बनाता है। तो ये आप समझ गए। अब इसी के रिलेटेड, इसी के बिना लफ्जों की हेरफेर किए ही दूसरे भाष्य में भी यही सेम टू सेम अल्फाज के साथ यही कहा गया है। आइए हम उसे भी देखते हैं। तो अब आता हूं मैं दूसरे भाष्य की ओर। यहां पर भी सेम वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि सुख आदि ना देने वाला बाधक शत्रुओं का नाश करो। तो इसको मैं अलग से नहीं ले रहा हूं। कुल मिलाकर के यहां पर न्याय व्यवस्था को लागू करने की बात की गई है, बस, और कुछ नहीं है कि जैसे नास्तिकों को मारो, उन बकौल उनके, उनके हिसाब से, ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं है।
तो अब आते हैं तीसरे भाष्य की ओर। यहां लिखा है कि हे ईश्वर, तुम्हारी यह दोष रहित स्तुति जो कि सर्वोपरि ऐश्वर्य युक्त ज्ञान स्वरूप आपके लिए की गई है, वह हमारी रक्षक हो और हमारी सब भावनाओं को स्वीकार करे। परमात्मा प्रार्थना युक्त हम लोगों के शत्रुओं का नाश करे। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इस मंत्र में शत्रु किनको कहा गया है, तो आप सेकंड लास्ट लाइन में जाइए तो यहां आपको शत्रु किनको कहा गया है वो मिल जाएगा। मंत्र का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपनी रक्षा आप नहीं करते, वह यो कहो कि अपने सेना को आप अपने आप मारते हैं, वह कायरता दिखलाते हैं, ऐसे सैनिकों को विद्वान लोग नष्ट करें। यानी जो सैनिकों में अपने ही सेना के लोगों को मरवाते हैं, यानी जिसको हम गद्दार कहते हैं एक लफ्ज में, आज के लफ्ज में, ऐसे लोगों को शत्रु कहा गया है जो अपने सेना को मारते हैं, जो कायरता दिखलाते हैं। तो ऐसे लोगों को नाश करने की बात की गई है, और वो भी ऐसा नहीं है कि हम खुद हाथ उठा करके हम ही जा करके नाश कर दे, ऐसा नहीं है। यहां पे परमात्मा से विनती की जा रही है, क्या कि परमात्मा प्रार्थना युक्त हम लोगों के शत्रुओं का नाश करे। वो भी कैसे शत्रु, जो अपने सेना में ही रहकर अपने सैनिकों को मरवाते हैं, कायरता दिखलाते हैं। तो ऐसे शत्रुओं के लिए कहा गया, इसलिए यहां पे परमात्मा के लिए ये कहा गया है कि वह हमारी रक्षक हो। भाई रक्षा, कोई नास्तिकों से अपनी रक्षा चाहता है, नास्तिक जो हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे, कोई उनसे रक्षा मांगेगा, या जो अपने सेना में रह करके अपने सैनिकों को मरवाता है उससे रक्षा मांगेगा। सिंपल कॉमन सेंस है भाई, इतना छोटा सा लॉजिक भी इन लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये इसका अर्थ है। यहां नास्तिक या गॉडलेस का दूर दूर तक नामो निशान आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहां ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। काफिर मोमिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहां, बिलीवर डिसबिलीवर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहां। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले वाले भाष्य में भी यही सेम शब्द, यही सेम हुर्फ, कोई भी लफ्ज इधर उधर नहीं है, सेम शब्दों के साथ वही चीज यहां पे भी लिखा है। तो इसके लिए मैं अलग से स्पष्टीकरण देकर के समय नष्ट नहीं करना चाहता, सेम शब्द है, आप पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम अंग्रेजी वाले भाष्य में, यहां क्या लिखा है। ओ ब्रह्मणस्पति लॉर्ड सस्टेनर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द वास्ट रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इट्स लॉ एंड डिवाइन नॉलेज, दिस होली सॉन्ग ऑफ adoration is addressed to you and Indra in honor of the might and majesty of your glory and divine protection against darkness and evil. Pray, listen and protect our mind and action. Awaken the rulers and protector of our social order. Fight out and destroy the enemies and oppositions of the devotees. अच्छा, अब यहां पे एनिमीज किसको कहा गया है, यानी यहां पे शत्रु किन्हें कहा गया है, ऑपोजिशन किन्हें कहा गया है, यानी विघ्नकारक किनको कहा गया है या किनको कहा गया है, ये आप दो लाइन पहले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि डिवाइन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डार्कनेस एंड इविल, यानी परमात्मा से सुरक्षा मांगा जा रहा है। किससे? डार्कनेस यानी अंधकार से, अज्ञानता से, और इविल यानी दुष्ट व्यक्ति जो न्याय व्यवस्था को भंग करे। इसलिए तो कहा गया है कि अवेकन द रूलर्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, यानी जो राजा है और समाज व्यवस्था के संरक्षक है उन्हें जागरूक करने की बात की गई है। तो भाई उन्हें जागरूक क्यों करेंगे, सोशल ऑर्डर यानी जो प्रोटेक्टर्स ऑफ सोशल ऑर्डर है यानी समाज व्यवस्था के संरक्षक है, उन लोगों को हम सचेत क्यों करेंगे, किसके किसके लिए करेंगे? दुष्ट पुरुष के लिए करेंगे जो समाज में हानि पहुंचाए, उन लोगों के लिए करेंगे जो इविल है, जो दुष्ट है, जो
समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं उन लोगों के लिए हम उनको सचेत करेंगे अपने राजा को कि भाई ऐसे लोगों के खिलाफ आप एक्शन लीजिए जो समाज व्यवस्था बिगाड़ते हो, और डार्कनेस के खिलाफ भी, यानी समाज में जो अंधकार फैला हुआ है जैसे भूखमरी, महामारी, या समाज में इलिटरेसी है यानी निरक्षरता है, जो समाज में अंधकार फैला हुआ है चाहे गरीबी के नाम पर हो, इसके खिलाफ भी राजा को और शासन तंत्र को सचेत होने की बात यहाँ पे की गई है। तो सिंपल लॉजिक है, आप पढ़ेंगे तो आपको पानी के तरह क्लियर हो जाएगा। मैं सारे कड़िया आपको आपके सामने निष्पक्ष तरीके से जोड़ करके दे रहा हूं, अपने और से मैंने कोई शब्द का इजाफा नहीं किया जो वहां पे नहीं लिखा है, मैं वहीं से शब्द उठा करके मैं आपको कड़िया जोड़ करके दे रहा हूं। तो अब मैं इस बात का खुलासा करता हूं कि इनको यह रेफरेंसेस कहां से मिलता है। इनको ये रेफरेंसेस किसी किताब से नहीं मिलता, इनको ये रेफरेंसेस ये हिंदू विरोधी वेबसाइट्स और ट्विटर के जो है ट्वीट से मिलता है। ये मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूं, और इसी का जवाब इसके जस्ट ऊपर वाले जो दो वेबसाइट है उनमें दिया हुआ है, लेकिन इनको जवाब नहीं सुनना, इनको तो एतराज करना है। इसके जस्ट ऊपर में जो दो वेबसाइट आप देख रहे हैं उसी में इन सब एतराजों का जवाब दिया गया है। आप वहां जाकर के जो बाकी एतराज किए गए हैं इन वेबसाइट्स के द्वारा, इन व्लॉग्स के द्वारा, वो आप वहां पे जाकर के उसका स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं, वहां भी अच्छे से स्पष्टीकरण दिया गया है। तो अब इन फ्री थिंकर्स के ये दिन आ गए हैं कि अब सत्य सनातन वैदिक धर्म को बदनाम करने के लिए मुसलमानों के लिखे हुए ये दो कौड़ी के व्लॉग्स और दो कौड़ी के ट्वीट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनका हाल अब हो गया है। यानी कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है कि इनका पहले से ही सुनियोजित रहता है कि हमें कैसे भी करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को कैसे भी करके हमें इसको गलत प्रमाणित करना है, चाहे इसके लिए हमें गलत रेफरेंसेस का भी इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। तो आपने देखा ये रेफरेंसेस, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मानवता के विरुद्ध कोई बात कही गई हो। कुरान में जिस प्रकार से काफिरों का कत्ल करने की बात की गई है वैसा कुछ है ही नहीं। यहां कुरान में जिस प्रकार से आतंकवाद सिखाई गई है उसके साथ इसकी तुलना की जा रही, जहां पे कोई ऐसी बात है ही नहीं जिससे समाज में वैमनस्यता फैले। वरम इन मंत्रों में यह लिखा गया है कि किस प्रकार से न्याय व्यवस्था को लागू करना चाहिए ताकि देश में वैमनस्यता और अराजकता का खात्मा हो सके, ताकि मुल्क और मुआशरे में अमन और शांति कायम हो। ये कुरान जैसे जहां पे काफिरों को मारो, काटो, लूटो, पीटो, उनके साथ दोस्ती ना रखो, उसको वेद के ज्ञान के साथ ये कंपेयर कर रहे हैं। देखिए इनकी कितनी हिपोक्रेसी है, कितनी मुनाफिकत है कि अपने एजेंडे को सिद्ध करने के लिए ये झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये है ऐसे लोगों के अंग्रेजी में इंग्लिश से मुतासिर होकर के इन लोगों के झूठ को आप वाहवाही मत दीजिए। कई लोग तो है उनका तो यही काम होता है, भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यही काम होता है कि किस प्रकार से वेद के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया जाए झूठ बोल करके ही सही। हालांकि ये लोग वही है जिन्होंने अपने जिंदगी में एक सुई का इजाफा नहीं किया होगा, और एक सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव करने इनको दे देंगे इनकी हालत खराब हो जाएगी इनकी। तो ये है, और चोला पहनते हैं जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट, फ्री थिंकर्स, नो बायसनेस, निष्पक्ष, ये सब नौटंकी इनकी होती है।
और तो और इनकी भी सोच भारत के खिलाफ है। अतः मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप तासुब से बालातर होकर के सोचिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होइए, आप बायसनेस से अपने दिमाग को छुड़वा करके सोचिए, तभी जाकर के आपको ये मौजू, ये विषय आपको वेद, ईश्वरीय ज्ञान, ये विषय आपको पानी की तरह समझ में आएंगे, क्लियरली आपको समझ में आएंगे। अगर आपको यही है कि भाई नहीं, हमें तो भाई निंदा ही करना है, हमें तो बस सवाल पे सवाल पूछना है, हमें तो बस जो भी हमारे सामने आ रहा है, जो किसी जो जो नास्तिक नहीं है उनको हमें जलील करना है, तो फिर आप करते रहिए, यही आपकी मकसद है तो ये यही सही। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय। कोई ऐसी बात है ही नहीं जिससे समाज में वैमनस्यता फैले, वरम इन मंत्रों में यह लिखा गया है कि किस प्रकार से न्याय व्यवस्था को लागू करना चाहिए ताकि देश में वैमनस्यता और अराजकता का खात्मा हो सके, ताकि मुल्क और मुआशरे में अमन और शांति कायम हो। ये कुरान जैसे जहां पे काफिरों को मारो, काटो, लूटो, पीटो, उनके साथ दोस्ती ना रखो, उसको वेद के ज्ञान के साथ ये कंपेयर कर रहे हैं। देखिए इनकी कितनी हिपोक्रेसी है, कितनी मुनाफिकत है कि अपने एजेंडे को सिद्ध करने के लिए ये झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये है ऐसे लोगों के अंग्रेजी में इंग्लिश से मुतासिर होकर के इन लोगों के झूठ को आप वाहवाही मत दीजिए। कई लोग तो हैं, उनका तो यही काम होता है। भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यही काम होता है कि किस प्रकार से वेद के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया जाए झूठ बोल करके ही सही। हालांकि ये लोग वही है जिन्होंने अपने जिंदगी में एक सुई का इजाफा नहीं किया होगा, और एक सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव करने इनको दे देंगे, इनकी हालत खराब हो जाएगी इनकी। तो ये है, और चोला पहनते हैं जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट, फ्री थिंकर्स, नो बायसनेस, निष्पक्ष, ये सब नौटंकी इनकी होती है। और तो और इनकी भी सोच भारत के खिलाफ है। अतः मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप तासुब से बालातर होकर के सोचिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होइए, आप बायसनेस से अपने दिमाग को छुड़वा करके सोचिए, तभी जाकर के आपको ये मौजू, ये विषय आपको वेद, ईश्वरीय ज्ञान, ये विषय आपको पानी की तरह समझ में आएंगे, क्लियरली आपको समझ में आएंगे। अगर आपको यही है कि भाई नहीं, हमें तो भाई निंदा ही करना है, हमें तो बस सवाल पे सवाल पूछना है, हमें तो बस जो भी हमारे सामने आ रहा है, जो किसी जो जो नास्तिक नहीं है उनको हमें जलील करना है, तो फिर आप करते रहिए, यही आपकी मकसद है तो ये यही सही। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय।